हेलो, देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है लिम्फ। इसमें लिम्फ को पढ़ने से पहले एक हमको डायग्राम बनाना है, तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। Thank you.
Thank you.
हाँ, ये देखेंगे जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड पाया जाता है, उसी तरीके का एक फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। ब्लड जो होता है आपका कलर्ड होता है, बट लिम्फ जो होता है आपका कलरलेस होता है। देखिएगा, बेसिकली लिम्फ का फॉर्मेशन जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड से होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू के अंदर होता है टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू के अंदर जो है दो, एक आर्टरी की और एक वेन की कैपिलरी जाई हुई हैं, जो एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, पास पास में है। तो यहाँ पे जो आर्टरी की ब्रांच है, आर्टेरियल कैपिलरीज है। तो आपको पता होगा कि आर्टरी के अंदर का प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेन। तो आर्टेरियल ब्लड जब आता है टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू के अंदर, तो टिश्यू फ्लूइड होता है बाहर उसके सराउंडिंग में। जिस टिश्यू फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये नेट होता है 24 mmHg। और यहाँ पे जो ब्लड आता है आर्टरी के द्वारा, आर्टेरियल कैपिलरीज में, उसका नेट प्रेशर होता है 36 mmHg, जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, HP। तो यहाँ पे नेट ब्लड का जो प्रेशर होता है वो होता है HP-COP। तो अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 12 mmHg। दैट मीन्स ये होता है कि आर्टेरियल कैपिलरी से 12 mmHg प्रेशर से ग्लूकोज, अमीनो एसिड से ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ब्लड आर्टेरियल कैपिलरी से डिफ्यूज होती हैं और ये हमारे टिश्यू तक जाती हैं, टिश्यू फ्लूइड में चली जाती हैं। जो कि वेनस कैपिलरीज में देखेंगे, वेनस कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है वेन्स, उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 16 mmHg, 16 mmHg होता है। और उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है वो तो टिश्यू फ्लूइड है, उसका प्रेशर जानते ही हैं, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, जो कि होता है 24 mmHg। अब यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर जो हम निकालेंगे, नेट ब्लड प्रेशर, तो वो नेट ब्लड प्रेशर हमारा आएगा HP-COP। तो HP है हमारा 16 mmHg और COP है 24 mmHg। तो यहाँ नेट ब्लड प्रेशर हमारा आएगा HP-COP, दैट इज -8 mmHg। तो निगेटिव में ब्लड प्रेशर कहने का मतलब है कि इसको हम रीअब्जॉर्प्शन प्रेशर बोलते हैं। -BP जो होता है हमारा वो रीअब्जॉर्प्शन प्रेशर कहलाता है, दैट इज 8 mmHg आएगा। तो इसी प्रेशर से यहाँ से मटेरियल या सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। दैट मीन्स 8 mmHg प्रेशर से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे टिश्यू फ्लूइड से निकल कर हमारे वेनस कैपिलरीज में चले जाते हैं और जो हमारे वेनस सिस्टम में रिटर्न कर दिया जाता है। अब यहीं पर देखेंगे, यहीं पर एक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ वेसल होती है जो हमारे टिश्यू फ्लूइड से अराइज होता है और एट लास्ट हमारे वेनस सिस्टम में जाकर मिल जाता है। तो ये हमारा लिम्फ वेसल है जो कि टिश्यू फ्लूइड से नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा को रीअब्जॉर्ब करता है और इसको एट लास्ट हमारे वेनस सिस्टम में ले जा करके मिला देता है। दैट्स व्हाई लिम्फ इज नोन एज द मिडिल मैन बिटवीन द बॉडी फ्लूइड, सॉरी टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड। टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के बीच में लिम्फ जो होता है वो मिडिल मैन का काम करता है। मिडिल मैन हिंदी में बोलते हैं इसको दलाल। दैट मीन्स ये क्या करता है, एक ब्रोकर की तरीके से काम करता है। इन जनरली जो हमारे टिश्यू फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हमारे ब्लड में रिटर्न कर दिए जाते हैं।
वेना सिस्टम में, बट उसमें ये लिम्फ वेसल जो है हेल्प करता है। यहाँ नेट 4 mmHg प्रेशर से रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे यहाँ देखेंगे टिश्यू फ्लूइड है 24 mmHg, और जो लिम्फ होता है लिम्फ वेसल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर होता है 20 mmHg। तो नेट 4 mmHg प्रेशर से ये नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को रीअब्जॉर्ब करता है। अब देखेंगे, आइए लिम्फ के बारे में बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ डायलेटेड ब्लाइंड इंड कैपिलरीज। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा टिश्यू फ्लूइड से अराइज होता है या टिश्यू से अराइज होता है किस फॉर्म में? एक डायलेटेड ब्लाइंड इंड कैपिलरीज की फॉर्म में, मतलब जिसका एक ही सिरा ओपन होता है जो कि हमारे वेंस में जाकर मिल जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम असिस्ट द वेनस सिस्टम, दैट मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम वेनस सिस्टम की हेल्प करता है ऑफ द बॉडी, बिकॉज इट कलेक्ट द टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न इट टू द वेनस सिस्टम ऑफ द ब्लड। ये टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा करता है और हमारे वेनस सिस्टम में पहुंचा देता है। लिम्फ रिप्रेजेंट द ड्यूअल नेचर बिकॉज इट मेंटेन्स नॉट ओनली द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बट ऑल्सो ऑफ ब्लड। तो लिम्फ का ड्यूअल नेचर होता है, ये सिर्फ हमारे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं करता है, बाकी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। लिम्फेटिक वेसल्स अराइजेस फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। लिम्फेटिक वेसल जो होते हैं बॉडी के सभी पार्ट से अराइज होती हैं, सिर्फ कुछ को छोड़ करके, एक्सेप्ट इपिडर्मिस, ड्यूरा मेटर। इपिडर्मिस स्किन के सबसे ऊपरी लेयर होती है, ड्यूरा मेटर ब्रेन की कवरिंग होती है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड स्प्लीन दैट इज लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन होता है बट हैव नो लिम्फ वेसल। अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्प्लीन जो है हमारा सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है लेकिन इसमें कोई भी लिम्फ वेसल नहीं पाई जाती है। बोन मैरो, हेयर फॉलिकल, नेल, हूफ, बीक एटसेट्रा। लिम्फ वेसल हैज सेमी ल्यूनर वाल्व लाइक द वेन्स बट मोर देन वेन्स। लिम्फ वेसल में सेमी ल्यूनर वाल्व पाई जाती है। लिम्फ कैपिलरीज हैज नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, देयरफॉर लिम्फ कैपिलरीज इज इररेगुलर थिन वाल्ड एंड ऑफ वाइडर ल्यूमेन एंड मोर परमिएबल देन द ब्लड कैपिलरीज। लिम्फ की जो कैपिलरीज होती है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है जबकि ब्लड कैपिलरीज में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। लिम्फ इज कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरबीसी। लिम्फ में आरबीसी नहीं पाया जाता है, दैट्स व्हाई ये कलरलेस होता है। लिम्फ हैज लार्ज नंबर ऑफ डब्ल्यू बी सी दैट इज 500 per mm³ बट नॉट मोर देन दैट ऑफ इन द ब्लड। लिम्फ में डब्ल्यू बी सी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है लेकिन हमारे ब्लड से ज्यादा नहीं पाई जाती है। इसमें जो अमाउंट होता है वो 500 per mm³ होता है जबकि हमारे ब्लड में जो अमाउंट होता है वो 6000 to 8000 per mm³ होता है। लिम्फोसाइट दैट इज डब्ल्यू बी सी इज मच मोर इन द लिम्फ। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है जो कि लिम्फ में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लिम्फ की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.01 to 1.02। नेचर इसका एल्कलाइन होता है, दैट मींस pH 7 से ज्यादा होता है। लिम्फ हैज लेस ऑक्सीजन, लेस प्रोटीन एंड लेस न्यूट्रिएंट्स बट मोर कार्बन डाइऑक्साइड, मोर मेटाबॉलिक वेस्ट एंड मोर एंटीबॉडीज देन द ब्लड। यहाँ एल्ब्यूमिन अपन ग्लोबिन रेशियो जो होता है वो 0.2 होता है।
यानी ग्लोबिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। लिम्फ इज नेम्ड एज द मिडिल मैन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिटवीन द टिश्यू फ्लूइड एंड वेनस ब्लड, दोनों के बीच में मिडिल मैन का काम करता है। नेक्स्ट है आपका लिम्फ नोड। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिम्फ नोड। जो हमारा लिम्फेटिक चैनल होता है उसके बीच बीच में स्वेलिंग जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्वेल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको लिम्फ नोड बोलते हैं। लिम्फ नोड के थ्रू ब्लड वेसल्स भी क्रॉस करती हैं। अगर मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर आपके ब्लड में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट पहुंच गया तो ये हमारे लिम्फ नोड के अंदर ट्रैप कर ली जाती है, पकड़ कर वहां पे किल कर दी जाती है। लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी इज टॉन्सिल। जो हमारे बॉडी के अंदर बड़े साइज के लिम्फ नोड पाए जाते हैं उनको हम टॉन्सिल बोलते हैं। नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पैसेज ऑफ द लिम्फेटिक चैनल। लिम्फेटिक चैनल के बीच में नोड्यूल लाइक गांठ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इट हैज मेनी ट्रेवेकुलाई, इसके अंदर ढेर सारे ट्रेवेकुलाई पाई जाती हैं, विच प्रोवाइड द स्पेस टू एक्युमुलेट द लिम्फ, जहाँ पे लिम्फ इकट्ठा होता है। ब्लड आल्सो पासेस वाया द लिम्फ नोड एंड फॉर्म द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। लिम्फ नोड के अंदर से ब्लड वेसल भी पास होता है, ढेर सारी वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है। एंड प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड कैन बी किल्ड इन द लिम्फेटिक नोड। अगर हमारे ब्लड के अंदर कोई पैथोजन प्रेजेंट होता है तो वो लिम्फ नोड के अंदर ट्रैप कर लिया जाता है, उसको किल कर दिया जाता है। लार्जेस्ट लिम्फ नोड को हम टॉन्सिल बोलते हैं। देखिएगा हमारे पास टॉन्सिल कौन कौन से हैं। देयर आर थ्री टाइप्स आर पेयर इन द मैन, एडिनोइड या नेजो फेरिंजल, नेजल पैसेज और फेरिंग्स
का जंक्शन होता है वहां पे पाया जाता है, लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ नेजल पैसेज एंड नेजोफेरिंक्स एंड डीजनरेट एट द एज ऑफ 10 ईयर, 10 साल की उम्र तक डीजनरेट कर जाता है। दूसरा है पैलेटाइन या फॉसियल, प्रेजेंट इन द लैटरल वॉल ऑफ द टर्मिनल बक्कल कैविटी, सबलिंगुअल है यानी टंग के नीचे, लोकेटेड बिलो द टंग। टॉन्सिल प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म इन द बॉडी, टॉन्सिल जो होता है हमारे बॉडी के अंदर जर्म एंट्री को रोकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल इज टॉन्सिलाइटिस, अगर हमारे टॉन्सिल में स्वेलिंग आ जाती है तो उस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल इज नेम्ड एज टॉन्सिलेक्टोमी, अगर बार बार टॉन्सिल में स्वेलिंग आती है तो उस केस में उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं। टाइप ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन देखेंगे, लिम्फाइड ऑर्गन आर ऑफ टू टाइप, पहला है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन इन विच द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अगर, एग्जांपल बोन मैरो थाइमस, बी इसी के बेसिस पे हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। इफ द अगर हमारे लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बोन मैरो में हुआ है तो बी लिम्फोसाइट और थाइमस में हुआ है तो टी लिम्फोसाइट। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन देखेंगे, लिम्फाइड ऑर्गन वेयर डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर, एग्जांपल है लिम्फ नोड, टॉन्सिल एंड स्प्लीन। तो नेक्स्ट देखेंगे स्प्लीन, स्प्लीन या इसको हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है स्टमक के जस्ट पीछे।
देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है स्प्लीन। वॉल इज ऑफ टू लेयर दैट इज आउटर विसरल पेरिटोनियम एंड इनर फाइब्रस कैप्सूल। इसकी वॉल जो होती है दो लेयर से बन मिलकर बनी होती है, विसरल पेरिटोनियम बाहर की तरफ और अंदर की तरफ फाइब्रस कैप्सूल होता है। फाइब्रस कैप्सूल फॉर्म द फ्यू ट्रेबेकुली और सेप्टा। ये फाइब्रस कैप्सूल कुछ ट्रेबेकुली और सेप्टा का फॉर्मेशन करता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाता है अंदर की तरफ। लोकेटेड नियर द स्टमक इन द मैमल बट नियर टू द रेक्टम इन द फ्रॉग। लिम्फ स्प्लीन का जो पोजीशन होता है वो मैमल का स्टमक के पास पाया जाता है, जबकि फ्रॉग में उसके रेक्टम के पास होता है। पिंक कलर्ड एंड वेट इज 150 ग्राम। पिंक कलर होता है, वेट इसका 150 ग्राम होता है। इनर मोस्ट मास ऑफ स्प्लीन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसका अंदर वाला हिस्सा जो है दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, एक कहलाता है व्हाइट रेड पल्प और दूसरा कहलाता है व्हाइट पल्प। देखिएगा ये है व्हाइट पल्प जो कि मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है, और बाकी रीजन जो बचा हुआ है रेड पल्प। व्हाइट पल्प रीजन में कुछ WBC इकट्ठा हो जाती है एक साथ, जिनको हम मैल्पिगन नोड्यूल्स बोलते हैं, और रेड पल्प रीजन में कुछ पाउच या सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसके अंदर ब्लड स्टोर रहता है, दैट इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ बिलोज। इन द व्हाइट पल्प नोड्यूल ऑफ लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट नेम्ड एज द मैल्पिगन नोड्यूल। अंडरलाइन कर लेंगे। एंड इन द रेड पल्प रीजन लॉन्ग थ्रेड लाइक ब्लड साइनस आर प्रेजेंट नेम्ड एज द कॉर्ड ऑफ बिलोज विच स्टोर्स ब्लड। दैट्स व्हाई स्प्लीन इज नोन एज स्प्लीन इज नोन एज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। तो स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमको जरूरत होती है इमरजेंसी के केस में तो स्प्लीन जो है अपना ब्लड हमारे सर्कुलेशन में पोर कर देता है। एक्ट एज हीमो पोएटिक ऑर्गन इन द फीटल लाइफ। ये फीटल लाइफ में हीमोपोएटिक ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, हीमोपोएटिक ऑर्गन का काम करता है, यानी हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। एंड स्प्लीनेक्टोमी कॉजेज द इंक्रीज आरबीसी इन द बॉडी। अगर स्प्लीन को काट कर निकाल दिया जाए तो हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। एंड ब्लड ऑफ स्प्लीन हैज मोर पीसीवी। इसके पैक्ड सेल वॉल्यूम नॉर्मल ब्लड के कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी पाथवे, तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।